नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जान है तो जहान है कार्यक्रम का रामपुर में आगाज किया। जनपद रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जान है तो जहान है कार्यक्रम का रामपुर से आगाज किया। इस कार्यक्रम में जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और अल्पसंख्यक विभाग के सचिव और कमिश्नर DM SP सहित तमाम जिले के आला अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। यह कार्यक्रम का आगाज चमरपुरा के एक स्कूल से किया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं और युवतियां मौजूद थी और केंद्रीय मंत्री ने सभी से उनका परिचय लिया और उनसे बात की है। और जो ब्रह्म कोरोना वैक्सीन टीके के लिए लोग फैला रहे हैं उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने लोगों को जागरूक किया और कहा ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं जिससे इस महामारी से बचा जा सके, किसी के भ्रम में या बहकावे में ना आए। नकवी जी, आज जान है तो जहान कार्यक्रम का आगाज हुआ है रामपुर। देखिए, ये जान है तो जहान है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निगरानी चल रहा है और करोड़ों लोगों को का टीकाकरण हुआ है, जिसकी वजह से जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कमजोर भी हुई है और कोरोना जो है वो खत्म होने के रास्ते पे जा रहा है। लेकिन हमें अगर टीके से अदावत, कोरोना को दावत है। टीके से अगर किसी भी तरह की आशंका, अफवाहों के आधार पर हम दूरी बनाएंगे तो वो कोरोना को हम निमंत्रित करेंगे, दावत देंगे। इसीलिए हमने कहा कि टीके से अदावत, कोरोना को दावत। जान है तो जहान है, इसलिए कोरोना टीका लगाएं, कोरोना भगाएं, ये एक अभियान है। और आज पूरे देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। तमाम धर्मगुरुओं, समाज के सभी जो धर्मगुरु हैं वो सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपीलें आज जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे तमाम आज आ रही हैं। जान है जहां है तो जहान है के को लेकर के उसके साथ ही साथ जो है वो फिल्म और कला के क्षेत्र से जो लोग बहुत जुड़े हुए हैं, नामचीन लोग हैं, उनकी भी अपील आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से देश से की जा रही है। हमारी कोशिश है कि देश के तमाम हिस्सों में जो कहीं भी किसी भी दूर दराज के इलाके में टीकाकरण को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी तरह की आशंका है, किसी तरह की अफवाह है तो उसको हमें परास्त करना है। और सभी लोग टीकाकरण ही जो है वो टीका ही जो है वो कोरोना से मुक्ति का और कोरोना से बचाव की गारंटी है, जमानत है। अभिषेक सिंघवी ने बयान दिया है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग की शक्ति बढ़ेगी, योग की शक्ति बढ़ेगी और ना ही अल्लाह कहने से कम होगी। अब योग जो है वो हमारे भारत का मेड इन इंडिया एक नायाब गिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए, और जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है, वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए, योग योग है और योग के साथ सब है। इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि वो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।